Yeah, hello, this is Vipin Singh here. In this particular video, I am going to start some important facts of power sharing. Okay, तो स्टूडेंट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और आपके एमसीक्यू बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस में इन्हीं फैक्ट्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इनमें कुछ ही पॉइंट्स हैं और उन सभी पॉइंट्स को आपको दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है. ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या, पहला सबको पता है बेल्जियम क्या है. बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री. ठीक है, ये तो सबको पता है कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है. सेकंड थिंग, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री तो है, लेकिन ये अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को किन किन कंट्रीज से शेयर करती है. तो इट शेयर इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज विद फ्रांस, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग एंड नीदरलैंड. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ओके, आपको ये पता है कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन आपको उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इन चार कंट्रियों से शेयर करती है, फ्रांस से, जर्मनी से, लुक्सेमबर्ग से और नीदरलैंड से. वन मोर थिंग, बेल्जियम कब आज़ाद हुआ था? बेल्जियम 1830 में आपके नीदरलैंड से आज़ाद हुआ था. ठीक, अभी हम लोग जब हिस्ट्री का चैप्टर वन कवर करेंगे तो उसमें जुलाई रिवॉल्यूशन आता है. जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पॉइंट दिया गया है कि बेल्जियम एक पार्ट था नीदरलैंड का जो 1830 में उससे अलग होता है. ठीक, अभी यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप लोग ये सोचिए कि जो डच स्पीकर्स थे वही मेजॉरिटी में क्यों थे. बेल्जियम में डच स्पीकर्स ही मेजॉरिटी में क्यों थे, फ्रेंच स्पीकर्स क्यों नहीं थे? तो जाहिर सी बात है कि नीदरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच. ठीक है, और नीदरलैंड से 1830 में आपका बेल्जियम आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए आपके बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो कैसी स्पीकर्स थी? डच स्पीकर्स. ओके स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था. द थर्ड पॉइंट, बेल्जियम में 59% ऑफ पॉपुलेशन कैसी भाषा बोलती थी? डच. एंड 40% ऑफ पॉपुलेशन कैसी भाषा बोलती थी? फ्रेंच. सबको पता. ठीक, इसके बाद डच स्पीकर्स जिस जगह पर रहते थे वो जगह थी आपकी फ्लेमिश रीजन, यानी कि नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम. जो सपोज करिए ऐसे कि ये बेल्जियम है, बेल्जियम कंट्री है, तो बेल्जियम कंट्री का जो ये नॉर्थ पार्ट है ये आपका था फ्लेमिश रीजन. ठीक, और जो आपका साउथ पार्ट है वो आपका था वेलोनिया रीजन, और वेलोनिया रीजन में आपके रहते थे फ्रेंच स्पीकर्स. ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है. ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको ज़रूर याद रखना होगा. मैंने इसलिए इन फैक्ट्स को बोल्ड भी कर दिया अलग, ताकि ये अलग तरीके से इंडिकेट हो सके. ओके, अब द लास्ट पॉइंट ऑफ दी स्लाइड इज, देखिए इस स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे लोकेटेड था. तो वो आपके बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में लोकेटेड था. ठीक, नेक्स्ट, अब श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं. श्रीलंका सबको पता है कि एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउदर्न एशिया में सिचुएटेड है. उसके बाद यहाँ पर 74% जो आपके थे वो सिन्हाला स्पीकर थे, 18% जो आपके थे वो तमिल स्पीकर थे, और इन 18% तमिल स्पीकर्स में से 13% आपके श्रीलंका तमिल स्पीकर्स थे और 5% आपके इंडियन तमिल स्पीकर्स थे. ओके, 18% तमिल स्पीकर्स में से 13% आपके प्रॉपर श्रीलंका के तमिल स्पीकर्स थे, और 5% आपके वहाँ पे इंडियंस तमिल स्पीकर्स थे जो इंडिया से श्रीलंका गए थे. ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी इंडिया में भी और श्रीलंका में भी, तो उस दौरान आपके श्रीलंका में प्लांटेशन के वर्क के लिए यहाँ से कुछ लेबर्स को वहाँ भेजा गया था, तो फाइनली वो लोग वहीं पर जाके सेटल्ड हो जाते हैं. तो वही आपके ये 5% इंडियन तमिल स्पीकर्स थे, और 8% जो वहाँ की पॉपुलेशन थी इन दोनों स्पीकर्स के अलावा वो दोनों ही भाषा बोलते थे और वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे. एक और चीज़ आपको बता दूं, सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो किस रिलीजियस को फॉलो करते थे? दे फॉलो बुद्धिज्म रिलीजियस. ओके, एंड तमिल स्पीकर्स फॉलो हिंदूज एंड मुस्लिम रिलीजन. ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था. एक और फैक्ट, श्रीलंका डीकोलोनाइज कब हुआ था? श्रीलंका को आज़ादी मिली थी कॉलोनियल पावर से 1948 में. ठीक, श्रीलंका ने एक्ट कब पास हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी कि इनको सिन्हाला स्पीकर्स को? तो श्रीलंकन एक्ट आपके पास हुआ था 1956 में. अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर वीडियो का. अब इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि LTTE क्या है. तो LTTE का फुल फॉर्म है लिबरलेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम. ठीक है, लिबरलेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसको तमिल टाइगर्स भी बोला जाता है. ये एक मिलिटेंट और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जो आपके तमिल स्पीकर्स के द्वारा फॉर्म किया गया था. ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये क्या था? ये एक मिलिटेंट और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जो आपके तमिल स्पीकर्स के द्वारा फॉर्म किया गया था. तमिल स्पीकर्स ने इसे क्यों फॉर्म किया था? तमिल स्पीकर्स ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए फॉर्म किया था ताकि वो अपने राइट्स और इंटरेस्ट के लिए लड़ सकें और इसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से उन्होंने एक सेपरेट तमिल स्टेट की डिमांड
की थी। याद रखिएगा, इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तमिल स्पीकर्स ने एक सेपरेट तमिल स्टेट्स की डिमांड की थी, ओके। और उनके इस डिमांड को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था सिन्हाला स्पीकर्स द्वारा, जिसके कारण फिर वहाँ पे सिविल वार होता है। अब आपके LTTE के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये 1976 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, मई 1976 में, किसके द्वारा? वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन द्वारा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे ये वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। और लास्ट पॉइंट जो आपके इस पर्टिकुलर वीडियो का है वो ये है कि श्रीलंकन सिविल वार कब स्टार्ट हुआ था। तो श्रीलंकन सिविल वार स्टार्ट हुआ था 1983 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके पावर शेयरिंग के, जो आप सभी स्टूडेंट्स को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।